आज के समय में अधिक मुनाफे के चक्कर में किसान जहां रासायनिक खादों का जमकर उपयोग कर रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। इस कड़ी में प्राकृतिक कृषि विकास संस्था ने किसानों को जागरूक कर खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग न करने और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान चला रही है। डोईवाला में प्राकृतिक कृषि विकास संस्था किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जागरूक कर रही है। संस्था ने किसानों से कहा कि जैविक खेती में कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन जैविक खेती से तैयार उत्पाद की बाजार में काफी मांग है और हमारा उद्देश्य है कि बिना रासायनिक खादों के तैयार सब्जी और अनाज लोगों को मिल सके, जिससे रासायनिक खादों के उपयोग से बढ़ रही बीमारियों में कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।